नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल को शनिवार को उस वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जब उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाया था। पाटिल ने शुक्रवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी देशभक्त मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ उनके खिलाफ है जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सामान्य लोगों को मौके दिए, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाया। बीजेपी नेता ने कहा कि कलाम को राष्ट्रपति उनके धर्म की वजह से नहीं बल्कि वैज्ञानिक के तौर पर उनके योगदान को देखते हुए बनाया गया था। पाटिल के बयान से लोगों की भौहें इसलिए तन गई क्योंकि कलाम जुलाई 2002 में राष्ट्रपति बने थे जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। इस पर शनिवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि कलाम को राष्ट्रपति बनाना वाजपेयी का मास्टर स्ट्रोक था। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंधे ने भी इस बयान के लिए चंद्रकांत पाटिल की आलोचना की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।